समाज में तमाम सुने के मिला था, लेकिन बिरहा सुन ले पे बेटा यो बेटी में जो फर्क समझते हैं कलेजा द्रवित हो जाएगा। बिरहा के अंदर कवि जी भूमिका लिखलन, बेटी मर जात कुल की बहारों की मलिका, भूसड़े भविष्य घर की सिंगार बेटी, बेटी खिदमत से कायल अपने किया, सीतयन सुइया लक्ष्मी अवतार बेटी, बेटी लाई पदक है त जौहर के बूते, साक्षी सिंधु जहां में ललकार बेटी, बेटी को समझे पराया की भोला, जमाने में पाती तिरस्कार बेटी। यही मेरी बेटी है, सीता के रूप में कभी अनसुईया के रूप में कभी लक्ष्मी के रूप में आई है, यही बेटियां साक्षी मलिक सिंधु जैसी ललकार है बेटी, मेरे हिंदुस्तान की सम्मान है बेटी। क्यों आप लोग तिरस्कार करते हैं बेटी और बेटा में, क्यों फर्क करते हैं? लेकिन एक लाइन गजल के भाव लिखल गई, कोई शायर लिखा है, जवानी क्या चीज है, जवानी किसी से कह रही है, नाजे हुस्न हो अरे तू मेरा यह तराम करो, अरे जवानी नाम है मेरा तुझे सलाम करो, लाइन समाज में एक सीख कवि जी लिखे। क्या लिखे? आज के बेटों से बेटियां जहां में कम नहीं, अरे करे मुकाबला उनसे किसी में दम नहीं, के जमाने में किसी बेटा से बेटी कम नहीं। लेकिन एजे से हमारे कहानी के संग कैसे मास्टर हारमोनिया संगत मास्टर यूपी में मशहूर कानपुर शहर है, गांव सोनारपुर में अनोखी खबर है, परिवार मुंशी वर्मा का जग में खुशहाल था, पत्नी दुर्गा देवी के तो जन्म लाल था, मोहन था नाम उसका नारी थी उर्मिला, खुशियों में ढल रहा था समय का सिलसिला, कानपुर शहर में, कानपुर शहर से कहानी लहल गए बाबूजी। कानपुर शहर में एक गांव है सोनारपुर गांव, सोनारपुर गांव के रह वाला मुंशी वर्मा, मुंशी वर्मा के पत्नी का नाम है दुर्गावती, एक बेटा पैदा भइल दोनों पत्नी पत्नी के बीच में, पति पत्नी के बीच में एक बेटा पैदा भइल जे के नाम रखल मोहन वर्मा। मोहन जब सयान भइलन उनकर शादी कर देल गेल दुल्हनी के नाम हो उर्मिला वर्मा। कुछ दिन बड़ा अच्छा व्यवस्था लोग के चलल, माता पिता दुनिया छोड़ देहलन, उर्मिला और मोहन बड़े प्यार से हैं, लेकिन विधि के विधान का बदल तरज आ गई तो
बारे मास्टर यह गीत हो। पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में, लेकिन मोहन उर्मिला दोनों परानी बड़े सुखमय जीवन बितावत हुआ। लेकिन भैली अचानक बीमार एक दिन धनिया हो, भरतिया पतलिया मझार एक दिन धनिया हो, भरतिया पतलिया मझार एक दिन धनिया हो, भैली अचानक बीमार एक दिन धनिया हो। बीमारी कष्ट के बीमारी ना रहल, खुशी के बीमारी, गर्भवती रहली, दर्द उठल उनके। जब उर्मिला के दर्द उठल तो मोहन हॉस्पिटल लेके गेलन, और जब हॉस्पिटल गेलन तो का हो गईल, गोदिया में पैदा भैली बिटिया दुलारी, प्रसव के बाद बारी गई मतारी, छोड़ा पिया के मजेदार गईली धनिया हो, छोड़ा पिया के मजेदार गईली धनिया हो, भैली अचानक बीमार एक दिन धनिया हो। हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म देती है उर्मिला। बच्ची को जन्म देने की कुछ ही देर में उर्मिला का प्राणांत हो जाता है। जहां खुशी की लहर होनी चाहिए दुख की लहर बदल गई। कभी मोहन बच्ची को देखता तो कभी अपनी पत्नी के लाश की तरफ देखता, छाती पीट करके रोने लगा, टूट चुका था बेचारा। लोगों ने संभारा, किसी प्रकार संभार करके ले जा करके श्मशान पे लाश जला दी गई। एक दिन की बेटी हॉस्पिटल में शीशे में बंद है, दवा चल रही है। धीरे धीरे वो लड़की की स्थिति बदले लगल, स्वस्थ होए लगल। अय हर होत का हो मोहन के बाबूजी तरज आ गई। वही तरज बाप उर्मिला दुनिया छोड़ चुकल हैं। बिटिया के मोहन पालक पोसत हुन तो तरज लग गई। पनिया के अली पनिहारी न कुआना उमड़ दया, भाव लिखे बिटिया का पालन पोषण करत हुआ। बिटिया का भारी जिम्मेदारी हो अली मोहन के सर पे, बिटिया एक साल का हो गई। मोहनो बिटिया का टट्टी पिसाब फेंके, साफ करें, दूध पियावें, मतारी बिन मतारी के बिटिया छटपटाए। लोग राय देहलन की मोहन
करा दे थुन देख दुख दाई लोग देहल सलहवा राज खुशी दूसरा तू कैले बाबी आहवा बनी दुल्हन संजना नारी हो आई मोहन के सर पे इतना तरंगी संगी संजना नाम के लड़की वो भी छूटल रहल दूसरी रहल वही से लोग ब्याह करा देहलन ब्याह करा देहलन संजना मोहन के दुल्हन बन के घर पे आई अहर बिटिया धीरे धीरे सयान हो लगल और हर संजना के का हो तब तरज आ गई हमारे बीच में बिरहा के सम्राट का एक स्वर्गीय बेचैन राजभर जी नहीं है भगवान मृतक आत्मा के शांति दें जितनी बेचैन भैया का वीडियो कैसेट देखला बेचैन भैया के जगह पर हमके आप लोगन देखला ये गीत के बेचैन भैया बड़ी झुलाए के गोले रहल छपरा सहारिया में अरबिकेला चलकवा देवर मोर जोगी भैला जोगी भैला एहर मोहन की पत्नी के देखभाल तो करबे करे लेकिन बिटिया हमार पहले उठी हो ओकी ढेर सेवा करें का करें अरे बिंदु बिटिया का बनी अरे गैल दुश्मनवा घर में मैं भमतार मारी के करावे सारा काम घर में मैं भमतारी वही छोटकी बिटिया हमार धीरे धीरे 4 साल के भइल हो लेकिन वही 4 साल की बिटिया के ही मैं भा मतारी अढ़वावे लगल छोट मोट काम करावे हम बताईला ऐसे ही एक मैं भा मतारी रहल बाप जब कामे पर जाए उह लड़िकवा के घरे छोड़े उह लड़िकवा से संझवा के बाबू आवे तो पूछे बच्ची मजे में हवा कि ना कहल की पापा हम ठीक है हमार बड़की मम्मी जो हमार सगी मम्मी रहलु झूठ बोलत रहल कहल कैसन ई मम्मी सही बोलला उ मम्मी जब झूठ बोले हमसके हम खेले चल जाई तो कहे कि आवा घरे तोके खाना न देब तोके मारा पिटब लेकिन हमार मम्मी कुछ न करे हमके खियावे ई मम्मी हमार एकदम सही बोललिन कहानी तुके तो खाना न देव तो पापा हमके खाना ना देतीन कहानी तुके तो मारब तो तुके तो हमके मार ले बाप समझ गया ऐसे ही आज बिटिया बिना मतारी के छोटी से रोत मतारी जब बह तब बह मारे कभी जी लिखलन का लिखलन राजू रजनीस बट गोदी में दुलरवा
बिचारावा बेटी पर आया भर पे देली ना भोजन घर में मैं भमतारी हरजन दूसर की दुल्हनिया आयल हो एहू के गोदी में दुठे लड़का पैदा भइल एक का नाम राजू रखल गई दूसरे का नाम रजनीश तबले हमार बिंदु बिटिया 8 बरिस के हो गई तब मैभा मतारी आज मोहन पे दबाव बनावत है और दबाव बना के एक ठे बात कहलस कि जब एक पालत पोसत हुआ तो रुपया रखले हुआ ब्याह बदे लड़किन के ब्याह में 10-20 लाख रुपया लगत हो मोहन कहला तक कह का चाहत है तब बारे में भा मतारी मोहन के कहते हो का कहते हो अ मेहरारून का आदत है दिन भर ना कहीं है सजवे के कहले और सजवे के का कहले स्टेरी में अरे कंधा का भोज भैली बिटिया अरे घायल करे गरीबी गले तबन के फंदा घायल करे गरीबी गले के बन के फंदा कंधा का बोझ भैली बिटिया आज उस सौतेली मतरिया मोहन के रतिया के समझावत हो बेटी की शादी करने का बेटी की शादी करने का दौलत कहाँ से लाओगे मेरी बात न मानोगे वरना भारी पछताओगे अरे कहीं ठिकाने लगा दो इसको अरे कोई जान ना पाएगा अरे बचेगा शादी का खर्चा बुरा वक्त में आएगा रुपया पैसा बचले ते बुरा वक्त में काम आई कहे के अपने कपारे पर भार लेके तू घूमत हवा मोहनो के दिमाग में हल के ठीक है कहा 8 बरिस के बाद एहू के कहां लेके चाप इतनी मेहरारू के दूसरी मेहरारू के चंगुल में फंस चुकल हल दूसरी आंखे के पुतरी हो जानी सोचा ना कि कैसो कैसो तो टेढ़वा कुछ भेटाइल है दाव पता ना मिली कि न मिली यही से मोहन वो दुल्हनी के बात मान गई जब मान गई तो तरह जा गई कैसे मल्लाही गीत हो मास्टर यह गीत बजावत हूं यही पार गंगा माई ओही पार जमुना हो सुबेरे मोहन उठल जौने बिंदु बिटिया के फुटही आँखी इहो न देख बिंदुआ कह ओ दिना बिटिया बिंदु यहाँ आवा कल का पापा बिटिया के तनी भावुक खोलिन कल हाँ पापा कहना बिंदु तुर नानी बोलौले हैं अब तुहके चले के बाद नानी केहन पहुँचावे
बड़ी खुश हो गई कि जिंदगी में अपने नानी के हम ना देखली। चल कम से कम अपने नानी के हम देख ले, चूंकि बिना ससुरारी के मर्जी से ब्याह कैले रहल ससुरार को, पहलका ससुरार के लोग नाराज रहलन। बिंदु जब नानी के नाम सुन ले तो खुशी से तैयार हो गई। इन्हने के मन में तक हाथ हो मोहना के का कलेश। नानी नानी आउरे में बेटी के बुलावली हो, घरे से जब मोहन चलल तो घरवा से लेके का चलल, चोरी से एक ठे चाकू छिपा लहल, एक ठे गईता जो मट्टी खनने वाला फावड़ा मोटरसाइकिलिया में बांधे लगा। बिटिया कलस की पापा नानी केहन चलत हवा तो ही कुल का हुई। कल की बचवा सोचत है कि चनी पहले थोड़ा सा खेते पर चलब, कुछ काम हो कैले के बाद तोहके लेके चलब। मजूरन के कुछ सहे दे गईता देवे के बाद भाऊ के बिटिया मोटरसाइकिल पे बैठ गई, लेकिन वो पापी कैलेस का गाड़ी खड़ा कर देलस। गाड़ी खड़ा करके गईता लेलस बिटिया कैलेस बाबू कहाँ कल के खेते चले थे, चूंकि खेत उते देखले ना रहल। आठ बरस के बिटिया गाड़ी एक झाड़ी की आड़ में खड़ा कैलेस, और बिटिया के अपने आगे आगे बिटिया पीछे पीछे। देखा यह बिटिया होलिन ओ पापी के तमन में पाप सवार हो, लेकिन ई बिटिया का कैले राहिया चला तलागल मोहन के ठोकरा वाला हमार। जखम बाधी बीतिया पोटरिया को जैसे डर था, कांप रहा था, कैसे बेटी की हत्या करूंगा मन में चल रहा था, लेकिन इतना प्रेशर था दूसरी पत्नी का बेटी का, पीछे पीछे बिटिया जाते आगे आगे मोहन हाली हाली जाता, ठोकर लगल गिर पड़ा। जब ठोकर लगल ठेगनी फूट गई, बिटिया दौड़ के पकड़ के रोए लगल, काहे पापा इतना जल्दी जल्दी चलत हो खेते, सर दे अपन ओढ़नी फरलस फार के बांध लेलस। मोहन आंख से आंस गिरे लगल, आज हम अपनी बिटिया के विषय में का सोचत है, हमार बिटिया हमारी विषय में का सोचत हो। बाबा बिटिया के मोहन बैठा देलन, और मोहन के पाप सवार हो पहले कैलेश का गई तालिकठे गढ़ा खाने लगल। तो तरज लिखल गेल, कौन तरज हो कैला राजा कच
चौड़ी गली सुनी कैला रजऊ मिर्जापुर के कैला गुलजार चौड़ी गली सुन कैला रजऊ गढ़ा खन्ना था मन में विचार करे आओ था बिटिया बैठल कुछ दूरी पे का विचार आयल अरे विचार रो मन में विचार रो मन में हो रोल विचार कई के मोहन बिटिया कराम के निहार हो कि मन में विचार करे मोहन विचार दौर प्रेम का सागर उमड़े बिटिया के तरफ फिर कहे नहीं 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 एक आत्मा होला एक दिल होला दिल बहुत साफ होला लेकिन आत्मा भटकल करेले आज मोहन बिटिया के तरफ सोचे कि नहीं हमार बिटिया हम कैसे मारब लेकिन सोचल सके प्रेम उमड़ जाए तो हम मार ना पाए दौर बिटिया के सोचे कि हमारे तने बुढ़ी के बिटिया ऐसे हम धोखा कमात है हमार बिटिया इतने दिल के साफ हमारी घाव पर पट्टी बांधत हो बहुत दूर तक मोहन सोचे गढ़ा खन्ना लगल खनते खनते एकदम पसीना पसीना हो गई लेकिन का अंतरा में लिखल गई सोचे मोहन मोह जब बेटी से बढ़ाई करे पर नवा के मार नहीं पैब विचार कर मन में विचार कर मन में हो मोहन विचार कर मन में बिटिया कर मैं निहार हो कि मन में विचार कर बाप बेदर्दी बन गई ओकरे तर 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 पसीना चले लगल बिटियावा दौड़ के गल की पापा तैसा तू आराम करला तैसा गढ़ावा लीवा हम खन दे आठ बरस के बिटिया ओके पता ना कि हमारे बदे गढ़ा खाना थो इतनी दिल के साफ बिटिया फरसा गईता उठन लेकिन धीरे धीरे खनने लगल बाबू के पसीना पसीना छूटे लगल जब छूटे लगल तब तरह जा गल तैसा कोमल बढ़ा के बाबू सोचत हुन जेकरे बदे फरसा खरीद के हम जंगल में लियो बिटिया हमार मदद करत हो तरज वह बा माई कहली बेटी
नियर बियाह हो बाबू का की बड़ी दूर हो। अपने बिटिया के विषय में सोचत हूँ, जकरी खातिर हम फरसा खरीदली। अबोध बिटिया हमार जानत ना हो, रोवत हुआ फरसा खरीदाए जाके बजरिया हो पहुँचा है जंगल के मार दी। थक गईला मोहन खोदत जब की गढ़वा हो, थक गईला मोहन खोदत जब की गढ़वा हो, बोली है बिंदु आसु धार जी। नन्ही परी अपने बाप को बैठा देती है, क्या कहती है, गढ़ा खोदती पापा दे दा फरसावा। थोड़ा सुस्ताला ज्यादा सहाना कलेसावा हो, लगली बबूनिया हो, हाली हाली गड्ढा खोद लगली बबूनिया हो, रोला बाबुआ तू नहार हो। अपनी बेटी को देख करके पिता का मन परिवर्तित हो गया, अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगा। रो करके बाप एक बात कहता कि बेटी मैं मजबूर हूँ, कल पापा का कहतवा, कल बचवा हमारे एक बात सुन ला, हम बहुत मजबूर है। कौने तरज में कहें भैया सोठी के भाव लगल, यह गीत हो, काला काला छातावा बिकेला, काला कातावा बिकेला, काला कातावा हो नाथुनी बिकेला सासा राम हो राम। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को गोदी में भर लिया और क्या कह रहा है, बेटी का हमदर्दी देख मामा ता समाई, अरे मामा ता कौन जतन मारी अनि कर जान
हिम्मत छूट गई। कहल कि बचवा हम तोहर मजबूर तोहर गुनहगार है। कहल का कहल कि बचवा तुह के मारब दे तोहर माई कहले है बाबा। कलस के पापा मार दे पापा। तो कहल कि ना एक काम कर बिटिया, अब तो के दुनिया में हम छोड़ के जाते ही भलो शेर बाघ मार के जंगल में खा जाए चली, लेकिन हम ना मार सकित बाबा। बाप उठा पापा पापा पीछे करती लड़की दौड़ी, लेकिन पापा तो भगा मोटरसाइकिल चालू करके चला गया। आज भैल का अरे पानी के बहाने गैला आपा ने भवाना लाए आपा अरे खुशी भैली वो कर दूसर नारी हो राम जब बाप भागने लगा लड़की पापा पापा चिल्लाने लगी। मोहन रो कर कहा कि बेटी अगर मुझे जीवित देखना चाहती हो दोबारा गांव में मत आना बेटी। बाबा भले तुम मर जाना ठीक है, लेकिन मैं नहीं मार सकता ना तुम गांव में आओगी। बिटिया हुई जो बैठ गई, बैठ के रोवत थे। कभी जी भाव लिखल जब घरे मोहन पहुंचल पूछल गल का भइल। कल के मार के ओके दफन कर दिली। पपनिया तो एकदम खुश हो गई कि बीचे का रास्ता कांटा हमारी हट गई। लेकिन बारे विधि के विधान विदेशिया में कजी भाव लिखलन बिंदु बिटिया के पौल श्याम सिंह किसनवा हो अरे फरूखा बाद में जेकर बाबू रहल मा कना पढ़ोल लिखवल शादी सुरेश से करवल अरे गाजियाबाद कर रहल बाबू फौजी हो जावाना श्याम सिंह नाम का एक किसान इस बेटी को पाया। उनके पास कोई औलाद नहीं था, भगवान का प्रसाद समझ करके उस रोती हुई बेटी को लेकर घर गए। पालन पोषण किए, अच्छी शिक्षा दीक्षा दिए। जब बेटी सयान हुई तो उसकी शादी बड़े धूमधाम से किए सुरेश नाम का जो एक फौजी जवान था। जब शादी भई तो कवि जी भाव लिखलन मारे सुरेश के आतंकवादी गोलिया गोदिया में रहल जकरे एक ठे सुगना बन गईली विधवा बिंदु आइल सरप विपतिया अरे गाजियाबाद स्टेशन नियरी चाह के दुकाना कश्मीर में सुरेश आतंकवादियों से लड़ते हुए मारा गया, शहीद का दर्जा मिला। बिंदु टूट चुकी थी, विधवा थी, एक गोद में बच्चा था उसके बाबा, एक बरस का बच्चा, धीरे धीरे बच्चा 10 बरस का हुआ। बिंदु पालन पोषण के लिए जो पैसा मिला था आवास वास बनवाई, अब रोजी रोजगार के लिए स्टेशन के बगल में एक दुकान खरीदती है और चाह की दुकान खोल देती है। बड़ी अच्छी चाह की दुकान चल निकली। और हर का हो था बाबूजी मोहन के साथ यहर बिंदु बिटिया तो सेटल हो गई दुकान खोल के। और मोहन बाप का हो था घरे अरे कैले शादी मोहन जब हर साई दोनों बेटवन के
खुशिया छल के घर में दुल्हन आई दोनों बेटवन के राजू जो सुरेश दोनों लड़िकवा रहलन मोहन का दूसरकी मेहररुआ का संजना के गोदी का बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ौलेस लिखौलेस टॉपर क्लास के दोनों और उन्हें के नौकरी मिल गई बढ़िया नौकरी। लोग कहलन कि हमार लड़का भैया सेटल हो गई ना दोनों बड़ा मजे में हैला जेकर लड़का बढ़िया सेटल होलन वही के गांव वाले लाशो फूकन। हाँ लड़का इबना करी सेटल हो गल ऊपर न हम बताई ला बार बार लड़का के इतनो लायक मत बना दा कि तुह के खुद न लायक समझ लगे। कवि जी भाव लिखलन राजू रजनी सदनो भाई दिल्ली में करल नौकरिया अलग अलग मकान में रहना ले के गुजरिया सर दर्द बनी है बाप के बुढ़ाई दोनों बेटवन के बसने लागी दिल में बेवफाई दोनों बेटवन के दोनों दिल्ली में बढ़िया नौकरी पाए गई लन अच्छे पोजीशन पर हुआ कभी कभी तीज त्योहार पे घरे आवा और दोनों कुछ खर्चा माई बाबू के भेजा लगल समय बीते लगल धीरे 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 करीब आठ दस वरिष जब दस वरिष बीतल मोहन संजना के एकदम बुढ़ौती आ गई आंख बनवावे के पैसा ना हो। आज मोहन फोन कैलन लड़िका दोनों घरे अलन तेनहने के प्लानिंग का रहल कहल कि बाबू माई यहाँ केला तू परेशान हवा अभी जमीन संपत्ति पूरा बेच दहल जा दिल्ली में अभी जो भाड़े के रूम पर हमने हिला एक फ्लैट लेकर के बढ़िया वही जो तहु लोग रहा हमनो सब परिवार रहल जा। बतिया संजना के मोहन के भाई गई जितनी व्यवस्था रहल कुल बेच के रुपया लेके कुल दिल्ली पहुंच गई अयर मोहन बैठ के जे खरीदले बा उससे एक महीना का समय बा दोनों ही घर में बैठ के जोहत हूँ तो आल्हा के अंदर कभी भाव लिखलन राजू रजनी से आइल दिल्ली से घरवा वापस से बोलो दोनों बात समझ आया चला गजियाबाद बाबू बेच के जमीनिया अरे मम्मी के संग बाबू रहा रस्ता अरे लहला खरीद गांव वाले सब जमीनी बाप के दहल एक लिफाफा थमाया अरे ये ही पता पे ये फोन जब करबा अरे पहले चल के करी हम व्यवस्था चितलाया कुछ दिन खुशी खुशी संजना या मोहन अरे स्टेशन गाजियाबाद गई ना हो यार अरे दस बरिस के बेटा लेटर थम हवाला
के पता बेटा देवा हो बताया। एक महीना जमीन जब बिछाई गई, जमीन वाला कब्जा ले ले लेस, तब कहलन कि बचवा कहले रहलन कि बाबू दिल्ली ना बल्कि गाजियाबाद में जमीन लेवल जाई। कोनो खबर ना लगत हो, मोबाइल ना लगत हो, जो नंबर पहले कहली सब बदल चुकल रहना, नंबर ना लगत हो। बेचारू दोनों परानी गाजियाबाद स्टेशन पे उतर गई। गाजियाबाद स्टेशन पे उतर के चाह के दुकान पे पहुंचलन। जब चाह के दुकान पे पहुंचलन तो 10 बरिस के लड़िका उस समय वह चाहवा के दुकानिया पर बैठल रहा। कल के दादा आइए, बाबा आइए, चाह पी लीजिए। कन के ना बचवा, कल मैं जानता हूँ आपके पास पैसा नहीं है। लड़िकवा लिया के चाह दोनों जने के देहलस। कन बचवा, हमके गाजियाबाद स्टेशन से यही पता पर जाए के हो। जौन कुल पतवा लिखले रहलन, कुल अनकमंडा ऊपर लिखले रहलन। लड़िकवा लिफाफा फाड़ देलस। अब फाड़ के जब पढ़े लगल तो लिफाफा में लिखल रहल कि कोई भी सज्जन अगर इस लिफाफा को पावे तो कृपया ही बिचारे दोनों अनाथ हैं, कृपया अनाथ आश्रम में पहुंचाने के कृपा करें। जब बाबू माई सुनने लड़िकवा बतौले कि मंत्र लिखल बाबूजी कि जे भी पावे आपके अनाथालय आश्रम में पहुंचा दे, तब छाती पीट के मुहर रोए लगलन। संजना के तरफ, संजना पति के तरफ देख के रोए लगल। का हो यह न होलन तो कहलू कि बेटवा यह हमार तोहर बेटवा हुआ। तब एक बात उ लड़िकवा दोनों जने के रोवाई देख के हाथ पकड़लस। कलस के बाबा रोआ मत, हमरो पास केहू ना हो, कम से कम आजी बाबा के प्यार त मिली। लड़िकवा गट्टवा पकड़ के जहां बिंदु कोटरवा लेके रहत रहल मकनवा, वही घरे लेके गए। जब घरे गल बिंदु अपने बाबू के देखलेस, अपने मतारी के देखलेस, छाती पीट के रोए लगल। बाबू ई तोरी का हालत हो गई। तब लड़की एक ठे बात बतौलस। का कहलस मास्टर? सात समंदर पर भला ही रही है बिटिया, याद माई बाप का अपने ना भूलई है बिटिया। नई नवेली बहू से कहना मेरा है, जैसे अपने बाप की प्यार करती हो, अगर अपने सास ससुर का प्यार करती तो कहे घर में बंटवारा होता। बिंदु कैलस का माई बाप के बिंदु अपने गईल ही पहचानी, फक के रोवा मन में ले ही के गलानी। माई बाप का अपने सहना पौली बिटिया, याद माई बाप का अपने ना भुलाली बिटिया। संजना उस बिंदु बेटी के पैर पर गिर पड़ती है। बिंदु उठा के सीने से लगाती है, नहीं माँ, आपका दर्जा पैर में नहीं बल्कि दिल में है। आप भले ही मुझे अपनी बेटी न मानी हो, लेकिन मैं मानता था कि आप मेरी मम्मी हो। अपनी मम्मी को तो मैं नहीं देख पाया, मेरे जन्म लेते ही मेरी मम्मी मर गई। जब से मैं होश संभाला सिर्फ आपका चेहरा देखा मम्मी के रूप में। संजना रोए लगल की बिटिया काश आपकी तरह मेरी सोच होती। संजना रोने लगती है, सारी हकीकत बतलाती है कि तेरा भाई निकम्मा निकल गया, ऐसी ऐसी हालात से मैं गुजरा हूँ। तब संजना एक बात कहती है, सोच मोहन संजना दिल में बेटवा कह दुलरवा, वहा बेटा आज छोड़ी गई ना घर दुआरवा।
अपने ना भुला ले बिटिया, माए बाप का बिंदु अपने गईली पहचानी, फफ कर रोवा मन में ले ही के गलानी। दुख माई बाप का अपने ना देख पाए बिटिया, याद माई बाप का अपने ना भुलाई बिटिया। सोच मोहन संजना के देहली बेटवा का दुलरवा, वहा बेटा आज छोड़ी गईला घर दुआरवा। दर्जा बेटा वाला दुनिया में चुकाई बिटिया, याद माई बाप का अपने ना भुलाई बिटिया। दिल भर के अपने माँ बाप की सेवा करती है, बार बार संजना सोचती कि काश अपनी बेटी को मैं पाली होती, जितना प्यार मैं बेटे को दी आज इस बिटिया को दी होती, आज मेरी बेटी कहां से कहां गई होती। मन में ही कचरता, आप लोगों से हाथ जोड़ कर कहना, बेटा और बेटी में कोई फर्क मत करिए, जितना अब बस सुन ले बिटिया हमार कि पापा का तबियत खराब हो, कुल काम छोड़ के दौड़ल चली आई। लड़का सुन ले का टेटे कल करला बराबर सुत्ता ना देते हैं, तो यह फर्क है बेटवा और बिटियन में। इसलिए बेटी सर्वोपरि है, बेटा और बेटी में आप लोग फर्क मत समझिए। तो कवि जी पर्चा के अंदर लिखलन, तो गुरु बिहारी रमन बेचन श्यामा सीता राम, विश्वनाथ मोहन के छोड़ी भरत गईले स्वर्ग के। कंधा का बोझ भैली बिटिया, भोला छोट लाल के उमड़ प्रेम का बंधा। कंधा का बोझ